हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक वीडियो से सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर और अपने 4000 वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा कि किस तरह से मैंने एक वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 से भी ज़्यादा वॉच टाइम गेन कर लिया है अभी तक। और इस वीडियो में एक आपको ऐसी सेटिंग बताऊंगा कि वो अगर आप अपने चैनल में अप्लाई कर देते हैं तो जब तक वो सेटिंग आपके चैनल में रहेगी, आपके चैनल में व्यूज़ आते ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि किस तरह से मैंने एक वीडियो से ही अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करे और 4000 से ज़्यादा वॉच टाइम पूरे कर लिए हैं अभी तक, और उसमें व्यूज़ आते ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रूफ के लिए अपना चैनल खोलता हूँ। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेरा चैनल है टेक्निकल ट्यूब, जिसमें अभी तक 1296 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसकी अगर मैं पॉपुलर वीडियो की बात करता हूँ अब आपको जो सबसे टॉप में जो वीडियो दिख रही है, जिसमें अभी तक 3,06,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, इसी एक वीडियो से ही मैंने 1000 सब्सक्राइबर वॉच टाइम गेन कर लिया है। हर दिन उसमें सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जो आपको लाइन दिख रही है वो अब जा रही है। और उसी से आप देख सकते हैं, इसमें अभी तक 7,300 से ज़्यादा वॉच टाइम मैंने गेन कर लिया है और इसमें 3,07,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। और व्यूज़ अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन एरो है वो अप है। तो ये तो मैंने आपको प्रूफ बता दिया। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह से मैंने क्या ट्रिक अप्लाई करी थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपने चैनल बनाने से पहले एक निश डिसाइड करनी है, और वो निश डिसाइड करने के बाद आपको जो भी वीडियो डालनी है उसी निश के अराउंड वीडियो डालनी है। अगर आप निश टैक्स चुना है, टैग के अराउंड ही वीडियो डालोगे। अगर आपकी निश कुकिंग की है तो कुकिंग खाने से रिलेटेड ही वीडियो डालोगे। अगर आपने निश फिटनेस की चुनी है तो फिटनेस से रिलेटेड ही, एक्सरसाइज से रिलेटेड ही वीडियो आप डालोगे। आपने जो भी निश डिसाइड करी है उसी के रिलेटेड वीडियो डालनी है। और दोस्त, उसके बाद आपको ये सोच के रखना है कि जब आप वीडियो डालो तो आपकी कोई भी कभी भी कैसी भी वीडियो वायरल हो सकती है। और एक बार जब आपकी वीडियो वायरल हो जाती है तो उसमें व्यूज़ आते ही रहते हैं। तो कम से कम आपको अपने चैनल में 20 से 30 वीडियो रेगुलर डालनी है। दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो वायरल हुई वो 50वीं वीडियो के बाद वायरल हुई थी। दोस्तों, आपको ये सोच के डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है कि अगर शुरुआत में आपके व्यूज़ नहीं भी आ रहे हैं तब भी आपको वीडियो डालते ही रहना है, क्योंकि आपकी कोई भी वीडियो कभी भी वायरल हो सकती है, सबसे बड़ी बात यह है। और जब एक वीडियो आपकी वायरल हो जाएगी, मतलब उसमें लाइफ टाइम व्यूज़ आने के चांस है। और आपको मैं एक सेटिंग भी बताऊंगा। और जैसे ही आपकी एक वीडियो वायरल हो गई, फिर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम तो उसी एक वीडियो से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वीडियो कंसिस्टेंसी और रेगुलर के साथ अपलोड करनी है, और एक ही निश के अराउंड अपलोड करनी है। आपको यूट्यूब में वीडियो बनाने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब में कब कौन सी वीडियो वायरल हो जाए कुछ नहीं पता। और हमने जो ट्रिक की बात करी थी वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बेसिक ये है कि आप कोई भी वीडियो बनाएं, एकदम हर तरह से 100% आप अपनी वीडियो में दीजिए। और वीडियो वायरल करने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो थंबनेल का होता है। थंबनेल आप ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाइए। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि मैंने क्या करा था जो मेरी ये वीडियो में अभी तक व्यूज़ आ रहे हैं और 3,08,000 से ज़्यादा इसमें व्यूज़ हो चुके हैं अभी तक। सबसे पहले मैं आपको YT स्टूडियो में लेके चलता हूँ। जैसे दोस्तों, मेरी ये वाली वीडियो वायरल हुई थी, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप जो भी वीडियो में टाइटल लगाए वही सेम टाइटल आपका डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, और वही टाइटल आपका टेक्स्ट में होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, मैंने जो टाइटल लगाया, हाउ टू सेट इनकमिंग एंड आउटगोइंग रिंगटोन इन 2021। अब मैं इस चैनल के सेटिंग में जाके आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको चैनल के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे चैनल ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ पे जो कीवर्ड होते हैं, और ये कीवर्ड ऐसे होते हैं जो आपके चैनल को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। मैंने उस वीडियो का टाइटल लगाया था, हाउ टू सेट इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल रिंगटोन, वही सेम टाइटल मैंने यहाँ पे अपने चैनल के कीवर्ड में भी डाला हुआ है।
तो जब से मैंने ये कीवर्ड डाला है उसके बाद से ही मेरी वीडियो एकदम ड्रास्टिकली उसमें व्यूज़ आने लग चुके हैं और उस वीडियो में अभी तक व्यूज़ आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो वीडियो बनाए उसमें जो टाइटल डाले वही सेम टाइटल आप अपने चैनल की सेटिंग के कीवर्ड में भी डालना है। तो सिंपली यही ट्रिक थी और ये सब बातें जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में वो आपको ध्यान रखनी है, तब आपकी वीडियो 101% वायरल होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें।